खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। का भारत देख रहे हैं आप, और 2030 के भारत में हम गरीबी, भुखमरी और शिक्षा, इन तीनों ही मुद्दों पर बात करते हैं। लगातार नए नए चेहरों से बात करते हैं, और आज जो चेहरा हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको बता दूं, राज्यसभा सांसद है उड़ीसा से, और साथ ही साथ एक फिल्म अभिनेता भी है, मुजीबुल्ला खान उर्फ मुन्ना खान जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है 2030 के भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, शुरुआत करते हैं, और क्योंकि चर्चा के मुद्दे हमारे वही है, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा, 2030 के भारत की हम बात करेंगे। पहला सवाल ही मेरा आपसे ये है कि 2030 के भारत को आप कहाँ देखते हैं? आपके नजरिए में 2030 का भारत कहाँ होगा, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, आज भी भारत का जो स्थिति है, जो हाल है, काफी राज्यों में, सोचिए हमारे देश में ही सोचिए, गरीबी की हालत तो अभी भी गरीबी के सीमा रेखा के नीचे लोग रहते हैं। और शिक्षा का बात तो आपको ये बताऊं कि बहुत से स्कूल्स है, बच्चे नहीं जाते वहां, या बच्चे हैं स्कूल्स ठीक से नहीं है, स्कूल में ऊपर का छत नहीं है, पानी गलता है, पानी गिरता है, और बच्चों को फैसिलिटीज नहीं दिया जाता है। और जहाँ स्कूल्स है, बच्चे भी हैं, वहाँ शिक्षक बहुत कम है। ये सब प्रॉब्लम्स हमारे देश में अभी भी है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत साल पहले, उड़ीसा का बात बताता हूँ आपको। बहुत साल पहले उड़ीसा में भी बहुत भुखमरी था, काफी था। लोग अपने बच्चों को अनाज देने के लिए, पेट भरने के लिए मजबूरी में चोरी भी करते, वो करें क्या? अगर अपने बच्चों को पालना है, बच्चों को जिंदा रखना है, तो कहीं काम मिलता नहीं था, कुछ मिलता नहीं था, तो लोग चोरी करके भी अपने बच्चों का पेट पालते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं विलेज बैकग्राउंड से आया हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उस जमाने में खेती में जब हमारा धान का फसल होता था, तो उस फसल को चोरी ना हो जाए, जिस डर से जिसका खेती रहता था, वो रात को उन लोग वहां पर सोते थे, जगते थे, जब धान का फसल पूरा अच्छी तरह पक जाता था, काटने के लायक हो जाता था फसल, तो उस टाइम रात को सोते थे, क्योंकि चोर चोरी करके कोई ना ले जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा धान काट के लोग ले जाते थे, उसको बेच के अपने बच्चों का पेट पालते थे। घर में घुस के अगर कुछ खाने का, कुछ अनाज भी हो, अनाज भी लेके लोग चले जाते थे, ऐसा हालत उड़ीसा में था। लेकिन पिछले दो दशक से भी ज्यादा, जब उड़ीसा में नवीन पटनायक का सरकार हुआ, नवीन पटनायक वो एक ऐसे नेता थे, वो आने के बाद उड़ीसा में भुखमरी टोटल चले गया, लोगों के पास अनाज आया, हर घर में, कुछ रहे ना रहे, चावल सबके घर में आज भी मौजूद है उड़ीसा में। तो ये चावल मौजूद होने के कारण लोग अपना दूसरा काम किए, उससे अपने बच्चों के लिए सब इंतजाम किए, और रात को जो सोने जाते थे खेत में, वो बंद हो गया। अब रात को कोई सोने नहीं जाता, इसलिए कि चोरी बंद हो गई, क्योंकि लोगों को उड़ीसा में भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मैं इतना जानता हूँ, पिछले 24 साल से इतना बढ़िया प्रोग्राम और प्लान उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक किया, और पांच पांच बार उड़ीसा में जीत के सरकार बना। तो नवीन बाबू आने के बाद उड़ीसा के लोग अभी बहुत चैन और अमन के साथ हैं, सबको सुविधा दिया गया है, स्कूल्स हो, एजुकेशन के लाइन में भी हमारा बहुत हाईटेक एजुकेशन गांव सब में दिया गया है। नवीन बाबू माने कंप्यूटर से लेके हर चीज, आप लोग अगर कोई उड़ीसा का दौरा करेंगे तो गांव के, छोटा गांव में भी आप जाएंगे तो बहुत अच्छे स्कूल्स रहेंगे, उनका फर्नीचर्स बहुत अच्छा होगा, उनको दिन में खाना भी दिया जाता है, बच्चों को मिड डे मील जो बोला जाता है वो सिस्टमेटिकली दिया जाता है। तो उड़ीसा में काफी हद तक एजुकेशन सिस्टम को सुधार लिया गया है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में, बाकी भाग में ये सब इतना क्लियर अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक भी हालत ठीक नहीं। एक सवाल मेरा यहाँ पे आ रहा है मुजीबुल्ला जी, कि जिस तरीके से आपने कहा कि गांव में भी स्कूलों में अच्छी फैसिलिटीज दी गई हैं,
लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो बहुत से ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़ने में आए कि उड़ीसा में जो एजुकेशन लेवल है वो अब गिरता हुआ दिख रहा है, यानी कि 10वें स्थान पे माना जाता था, अब 24वें स्थान पे पहुंच चुका है। तो क्या ऐसी स्थिति आई कि 10वें स्थान से 24वें स्थान पे अगर पहुंचा है उड़ीसा इंडिया में, तो कुछ तो ऐसे चेंजेस आए होंगे या कुछ तो लापरवाही ऐसी बढ़ती गई होगी जिस वजह से ये पोजीशन जो है वो इधर से उधर होती दिख रही है। तो मैं एक बात बताऊंगा कि ये जो सर्वे होता है, ये जो आंकड़े भी होता है, ये सही तरह से मैं इस आंकड़े को कभी यकीन नहीं करता कि जो सर्वे करते हैं, जो आंकड़े बनाते हैं, उन लोग बहुत लिमिटेड जगह में जाके आंकड़े बनाते हैं। कुछ लोग घर में बैठ के आंकड़े बना देते हैं, ऐसा भी होता है। अभी जो अभी देखिए, बहुत सी जगह में सर्वे रिपोर्ट एक आता है, इलेक्शन के टाइम पे ऐसी हुआ था, सर्वे रिपोर्ट एक आता है लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट दूसरा होता है, क्योंकि उन लोग जिस जगह में बैठ के आंकड़े बनाते हैं वो ऐसा कुछ परफेक्ट नहीं रहता। सब जगह आजकल आदमी काफी आलसी भी हो गए हैं कि आप, आपको अगर दायित्व तो दिया जाता है कि आप पूरा उड़ीसा घूमिए और उसका सर्वे कीजिए, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठ के सबको पूछ लेते हैं, बताइए आपका यहाँ क्या होने वाला है, कौन आगे बढ़ेगा, कौन जीतेगा। तो अगर कोई बोल दिया फेवर में किसी का, उसको लिख देते हैं। इसीलिए आंकड़े क्लियर नहीं हो सकता, ये विश्वास मेरा है। उड़ीसा में एजुकेशन सिस्टम काफी सुधरा है, ये जो आप बोल रहे हैं 10वें स्थान से 24वें स्थान पर आया, ये मैं यकीन नहीं पर करता, मैं खुद देखा हूँ उड़ीसा का आपको सिस्टम। यहाँ पर, आपको सर यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आपने एक चीज कही थी कि ये जो आंकड़े होते हैं, बहुत सारे लोग घर पे बैठ के भी आंकड़े बना देते हैं, जाकर असल स्थिति नहीं देखते हैं। लेकिन अगर मैं एक रिपोर्ट का हवाला दूं, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ना, एसीईआर, माफ कीजिए, तो ये रिपोर्ट जब इन लोगों ने उड़ीसा में जाकर सर्वे किया, क्योंकि ये पूरा आर्टिकल आया है, और जब सर्वे किया तो कई स्कूल्स में जाकर, प्राइमरी एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ खास तौर पर, कई स्कूल्स में जाकर बच्चों से बात की, जाहिर है कि आपने जो चीजें कही कि फैसिलिटीज काफी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फर्नीचर है, मिड डे मील है, एजुकेशन लेवल भी अच्छा है। लेकिन एक चीज यहाँ समझ आई कि जो बच्चे हैं, लाइक अगर हम 5 साल से लेकर 16 साल तक के एज ग्रुप की बात करें, तो बच्चों की जो रीडिंग कैपेबिलिटी है उसमें बहुत डिक्लिनेशन नजर आया है, क्योंकि बच्चे ठीक तरह से रीड भी नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए, जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो फिर कैसे, मतलब कहा जा सकता है कि एजुकेशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा, क्योंकि जाहिर है फैसिलिटीज मिल रही है, लेकिन बच्चों की कैपेबिलिटी फिर क्यों कम हो रही है? देखिए, मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा उड़ीसा में पूरा हो गया है, ये बात भी मैं नहीं कहता हूँ। उड़ीसा में अभी भी बहुत से बैकवर्ड इलाके हैं, बहुत से गांव ऐसे भी रह गए होंगे जिसमें कि पूरा फैसिलिटी नहीं पहुंचा होगा, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा 100% तो हर जगह नहीं हो सकता, हुआ भी नहीं है। बहुत से जगह में ऐसा कुछ बाकी भी रह गया है, उसको ठीक से जो डेवलपमेंट काम पहुंच भी नहीं सका होगा। उसके बाद आप तो जानते हैं विलेज एरियाज में बच्चों का खान पान में जरूर डिफरेंसेस आता है, उनको तो विटामिन्स क्या उन लोग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब आता है। उसके बाद क्या होता है, बचपन से बहुत से लोग बच्चों को ठीक तरीके से स्कूल भेजते नहीं है, बहुत से इलाका ऐसा भी है कि उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि तुम बच्चों को स्कूल भेजो, ये करो। उन लोग बोले अरे पढ़ के क्या करेगा, हमारा खेती बाड़ी संभालेगा। इस टाइप का लोगों का थिंकिंग अभी भी है, बैकवर्ड इलाका सब है। तो धीरे धीरे सुधर रहा है, इसको सुधरने के लिए बहुत तकलीफ करना पड़ेगा, लेकिन मैं जितना जानता हूँ काफी हद तक सुधारने का कोशिश किया गया। बिल्कुल। चलिए, अभी जैसा दामिनी ने आपसे पूछा था सर कि आप भारत देश को 2030 में कहाँ देखेंगे, मैं अगर पर्टिकुलरली उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा कहाँ पर खड़ा दिखेगा मुझे, अगर बाकी स्टेट्स को देखें तो उड़ीसा किधर रहेगा? क्या ऐसी चीजें आ जाएंगी जो उड़ीसा को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ जाएं, या फिर ऐसा देखें कि उड़ीसा एकदम पूरा डेवलप हो चुका है? क्या 2030 तक उड़ीसा की स्थिति पूरी पलटी हुई दिखेगी अभी से? देखिए, उड़ीसा पिछले 20 साल, 10-15 साल, 20 साल के पहले जो था उसके मुकाबले उड़ीसा काफी डेवलप हो चुका है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसमें कि भारत वर्ष के बड़े बड़े स्टेट, जब एक ऑफर आया कि वर्ल्ड कप करना है, हॉकी का वर्ल्ड कप करना है, कौन ऑर्गेनाइज करेगा,
बहुत कम समय में, एक साल या 14 महीना या 15 महीना ऐसा लिमिटेड टाइम दिया गया, इसमें कौन ऑर्गेनाइज कर सकता है। सबने हाथ उठा दिया, बड़े बड़े शहरों बड़े बड़े स्टेट ने हाथ उठा दिया कि इतना जल्दी हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, वो बोले हम लोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि नवीन पटनायक के जमाने में जब दून स्कूल में पढ़ते थे, वो हॉकी के गोल कीपर थे, हॉकी खेलते थे, तो बोले हम ऑर्गेनाइज बिल्कुल करेंगे। और उड़ीसा में वर्ल्ड कप हॉकी का 2 बार हो चुका है। पिछले बार, इसके पहले बार जब हुआ तो टोटल भुवनेश्वर में किया गया था, हॉकी स्टेडियम बनाया गया था, बहुत कम समय में कंप्लीट किया गया था। फिर नेक्स्ट 4 इयर्स के बाद जब फिर हॉकी हुआ सेकेंड टाइम, तो 1.5 साल के अंदर हमारा राउरकेला एक बहुत बड़ा सिटी है, स्टील जी प्लांट है, वहां पर ज्यादा हॉकी प्लेयर हम उड़ीसा से वहीं से आते हैं, उसी जिला से आते हैं, सुंदरगढ़ जिला से। दिलीप तिर्की भी वहीं से आए थे, जो हॉकी के कप्तान थे भारतवर्ष के। तो वहां पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम इतना जल्दी बनवाया गया कि कोई यकीन भी नहीं कर सकता। और आज जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम हॉकी का उड़ीसा में है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतना बड़ा स्टेडियम दुनिया में कहीं पर भी नहीं, और बहुत खूबसूरती से बहुत अच्छी तरह बना है। और सेकेंड हॉकी वर्ल्ड कप भी वहां किया गया। उस हिसाब से देखा जाए भुवनेश्वर शहर, हमारे काफी शहरों का डेवलप किया गया है। पहले जो भी भुवनेश्वर जाते थे 10-15 साल पहले, उन लोग आजकल भुवनेश्वर जाते हैं, उन लोग पहचान भी नहीं सकते कि भुवनेश्वर इतना डेवलप कर गया। बहुत खूबसूरत शहर हमारा भुवनेश्वर भी हो गया है, तो डेवलपमेंट काफी हुआ है, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल, पटनायक चेंज जी की क्या है, सर आप बहुत तारीफ करते नजर आ रहे हैं, काफी बार आपने तारीफ करी उनकी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी लोकसभा की अगर हम स्थिति देखें तो थोड़ी स्थिति पलटी हुई नजर आ रही है, सीटें बहुत सी दूसरे पाले में चली गई हैं, तो उसको देखते हुए क्या लगता है डेवलपमेंट उड़ीसा का क्या, क्योंकि अभी पटनायक जी की तारीफ कर रहे थे तो पटनायक जी अलग तरीके से डेवलप कर रहे होंगे, तो अभी जब सीटें दूसरे पाले में चली गई हैं तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वैसे बीजेपी का जो सरकार, केंद्र सरकार है, उनको नवीन बाबू का पूरा सहयोग मिला था। जब भी उड़ीसा से हमारा राज्यसभा में कोई अलग अलग मिला था, तो उड़ीसा से हम लोग इतने सांसद हैं, नवीन पटनायक का इंस्ट्रक्शन था कि जो पॉजिटिव बिल्स होगा, अच्छे बिल्स होगा, जो देश के हित के लिए होगा, आप उसको सहयोग कीजिए। तो हम लोग उनके फेवर में खड़े होते थे, क्योंकि अभी तक भी राज्यसभा में उनका मेजोरिटी नहीं है, शासक दल का मेजोरिटी नहीं है। हम लोग उनके साथ हर वक्त खड़े रहते थे। हमारे 10 MP, राज्यसभा में 10 सीट हमारा है, 10 MP है। उसके बाद नवीन बाबू को रिक्वेस्ट करके उनका एक राज्यसभा मांगे, उनका सिर्फ 22 सीट था विधायक, पहले बात बता रहा। तो नवीन बाबू को रिक्वेस्ट किया प्रधानमंत्री की 1 सीट हमारे लिए छोड़ दीजिए। तो नवीन बाबू 1 सीट छोड़े, जिस सीट में कि अश्विनी वैष्णव निर्विरोध चुने चुने गए और रेल मंत्री बने, वो नवीन पटनायक का योगदान है। एक बार 5 साल जी पूरा किए, उसके बाद फिर एक बार उनको रिक्वेस्ट किए कि आप नवीन बाबू को कि आप और एक बार उनको वापस भेज दीजिए, क्योंकि वो रेल मंत्री आपको उड़ीसा से हम लोग बनाए, क्योंकि हमारा उड़ीसा का IAS ऑफिसर थे। तो इस हिसाब से नवीन बाबू का कोऑपरेशन बहुत अच्छा था, रवीन बाबू से पूरा मिले जुले। लेकिन आए वक्त में इन लोग धोखा दिए नवीन पटनायक को, और इलेक्शन के 1 महीना पहले एक तो बहुत स्पेकुलेशन हुआ कि बीजेपी और बीजेडी में कोलेशन होगा, इन्हीं लोग बोले कि कोलेशन करते हैं, आपको कुछ सीट दे दीजिए, आप तो जीत रहे हैं। तो ऐसा जी होकर ज्यादा इन्होंने ज्यादा सीट मांगा, नवीन बाबू बहुत कंफ्यूज हो गए। फिर हमारे पार्टी से भी नवीन बाबू को सब बोले कि हमारे ऊपर जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आसानी से जीत रहे हैं, इनको इतना सीट क्यों देंगे। उनके पार्टी से बिल्कुल भी, बीजेपी पार्टी से भी बहुत से नया नया तो नेता आए थे, तो उन लोग बोले कि हम लोग चुनाव लड़ने का इरादा है, आप बीजेडी से अगर कोलेशन करोगे तो कम सीट मिलेगा, हम लोग फिर क्या करेंगे, हमको चुनाव लड़ने तो हम जीते के हारे। ऐसा होके चुनाव लड़ा गया, और अचानक इन लोग यू टर्न लिए, और बहुत सा मीटिंग, प्रधानमंत्री भी बहुत मीटिंग किए और पूरा उल्टा भाषण दिए नवीन बाबू के विरोध में, कि बोले मतलब नवीन कुल बाबू। मिला के हम विकास के क्षेत्र में विश्वास नहीं कर सकते हैं अब कि विकास हो पाएगा या नहीं, ये मान के चले। अभी तो उनका डबल इंजन सरकार हुआ है, हम लोग तो वही बात बोल रहे हैं कि 1 महीना हुआ है सरकार बनते,
लोग भी जस्ट मेजोरिटी से कुछ सीट ज्यादा है। हमारा 74 होता है मेजोरिटी के लिए, हम लोग 78 जीत के आए हैं, हम लोग 51 है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हमारा है। तो हम लोग उनको सहयोग करेंगे, ऐसी बात नहीं। अगर वो डेवलपमेंट करेंगे, केंद्र सरकार अगर ज्यादा हमको मदद करेगा उड़ीसा के लिए, तो हम लोग पॉजिटिवली उसको सहयोग करेंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन इस बार जी बजट में उड़ीसा के लिए कुछ नहीं किया गया, इसीलिए हम लोग बिल्कुल राज्यसभा में बात उठाए थे, वो उड़ीसा के लिए ऐसा कुछ खास नहीं किया गया। तो सर जबलपुर बात, क्योंकि जैसे तो बजट भी आपने जिक्र कर दिया, विकास की हम बात कर रहे हैं, गरीब भुखमरी और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार भी बदल चुकी है, बजट में आपने कहा कि इस बार उड़ीसा के लिए बजट में भी कुछ नहीं है, तो फिर 2030 में उड़ीसा कहाँ दिखाई देगा मैं, अगर ऐसी स्थिति आपके द्वारा बताई जा रही। देखिए, हम लोग तो कोशिश करें कि हमारा उड़ीसा डेवलप करे। हम लोग तो भले सरकार विरोधी सरकार हो, हमारा अपोजिशन सरकार हो, लेकिन हम लोग मॉरल सपोर्ट तो सरकार को जरूर देंगे, जो नया सरकार बना है। ऐसा नहीं है कि सरकार अभी चेंज हो गया तो साथ ही साथ हम लोग विरोध करना शुरू कर दिए। ये नेचर हमारा नहीं है कि हमारा नेता नवीन पटनायक का नहीं, जो उड़ीसा के हित में होगा, उड़ीसा के भलाई के लिए होगा, हम लोग पूरा सरकार को कोऑपरेट करेंगे। अगर केंद्र सरकार जो बोल के आया है कि डबल इंजन सरकार होगा, तो हम लोग सब कुछ कर देंगे। ठीक है, डबल इंजन सरकार हुआ, 1 महीना हुआ है, देखते हैं क्या करते हैं, कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा कि डबल इंजन क्या काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चलिए, जैसे कि 2030 के भारत की बात हो रही है, तो अब गरीबी पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। शिक्षा की और भुखमरी की हमने बात कही। अब नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो गरीबी दर जो है वो कम हुआ है उड़ीसा में। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट को बहुत से लोग नकार देते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन अगर हम एक जनरल बात लेकर चलें तो उड़ीसा में गरीबी जो है वो कम हुई है। आपको क्या लगता है, क्योंकि उड़ीसा में आज हम यहाँ मध्य प्रदेश इंदौर से बैठ के उड़ीसा के हालात तो नहीं देख पा रहे, लेकिन ग्राउंड पे आप जरूर जानते होंगे कि क्या हालात है उड़ीसा के। और एक और पॉइंट इसमें इसमें ऐड करना चाहूंगी कि उड़ीसा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, बाढ़ बहुत आती रहती है और उसकी वजह से बहुत से लोग माइग्रेट करते हैं वहां से। और ये भी कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ फंड रेज नहीं करती है ताकि वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो, कि लोग माइग्रेट ना करें, उसी स्टेट में रहकर अपना जीवन यापन या अपनी लाइफ निकालें। तो इन सब चीजों को लेकर कैसे काम किया जा सकता है, 2030 तक इन सब पे भी काम करना पड़ेगा, तो कैसे होगा सर ये? आर्थिक स्थिति आजकल पहले के मुकाबले काफी लोगों की स्थिति सुधर गई है। फाइनेंशियल लोग साउंड हुए हैं, सबके पास कुछ पैसे हैं, खाने के लिए अनाज है। खाने के लिए अनाज है माने उनका स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाता है। लोग भुखमरी के वजह से कुछ नहीं कर पाते थे, तो अभी उड़ीसा में काफी लोगों के पास छोटे से छोटे व्यापारी, जो छोटे दुकानदार हो, जो छोटे व्यापारी जो अपना काम करते हैं, वो माने घर बनाने वाला मिस्त्री हो या आपका बढ़ई हो या जो भी हो, जो काम कर रहे हो, अपना अपना काम हम लोग बहुत कुशलता से कर रहे हैं और 2 पैसा हम लोग कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। उड़ीसा में काफी लोगों का स्टेप बढ़ा है, शक्ति बढ़ा है। तो आगे उड़ीसा कैसा आगे बढ़ेगा, कैसे, आप तो इंडस्ट्री का बात कर रहे थे, इंडस्ट्री उड़ीसा में हमारा काफी आ चुका है। झारसुगुड़ा में, अनुगुल में काफी प्लांट, स्टील प्लांट काफी हमारा आ चुका है, और जोर शोर से काम भी चला है। वेदांत आया है हमारा, ये जो मित्तल वाले का साथ एग्रीमेंट किए हैं, और बहुत से इंडस्ट्रीज सभी उड़ीसा में बहुत के पीरियड शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी जो माइग्रेशन बहुत है वहां से, आपने खुद देखा होगा कि माइग्रेट करते हैं लोग, तो इसकी बात वजह क्या तो होगी, मतलब वहां पे फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही होंगी तभी मैं। बताऊं कि उड़ीसा में जो कारीगर है, उड़ीसा में जिस जो कुशल कारीगर है, वो लोग तो खाली उड़ीसा के लिए काम नहीं करेंगे, सारा भारतवर्ष के लिए काम करेंगे। तो जैसा बिल्कुल आप जानते वो हैं, तो सूरत में, सूरत का जो मिल है, कपड़ा का मिल, उसमें उड़ीसा के जो लोग काम करते हैं, वैसा काम शायद भारतवर्ष में कोई नहीं कर सकेगा। वो टैलेंट उनके पास है, वो कला उनके पास है, इसीलिए गुजरात का, सूरत का जो मिल जो चल रहा है, गुजरात में अगर कोई उनका आर्थिक स्थिति को सुधारने में गुजरात सरकार का किसी का हाथ है, तो उड़ीसा के लोगों का है। उड़ीसा के लोग अगर बिल्कुल जाना बंद कर दे सूरत, तो सूरत का उनका मिल ही बंद हो जाएगा। तो ऐसा उड़ीसा का लोग हर जगह है, जैसे कि जो हमारे पाइप वाले मिस्त्री जो फिटिंग शिटिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक वाले,
ये सब अलग अलग लोग उड़ीसा के हैं जो अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अपना काम करते हैं। तो जैसा जी बिहार जी तो घर का जो टाइल्स बिठाने में बिहार के लोगों के जैसा उतना बढ़िया कोई नहीं कर सकता। तो ये कला है, ये कला जिसके पास है वो तो सारा देश में जाएगा। ऐसा नहीं मैं उड़ीसा का हूँ, उड़ीसा ही में काम करूँ, 2 पैसा उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 पैसा ज्यादा मिलेगा, दूसरे राज्यों में जा सकता है। इसीलिए इसको उस हिसाब से नहीं लेना चाहिए कि उड़ीसा में काम नहीं मिल रहा है तो पर वही बड़ा। बात है कि जैसे बिहार की आपने बात कही कि बिहार के लोग जो है वो बहुत अच्छा, इस तरीके कहा जाता है कि बहुत बहुत मेहनती भी बढ़िया होते करते हैं हैं, जी बहुत जी मेहनत बहुत करते हैं। तो मेहनत। मैं तो वही चाहती हूँ, और बिहार भी शायद वही चाहता होगा कि पहले अपने स्टेट को तो डेवलप करें, बाहर के स्टेट में जाके योगदान तो दे रहे हैं, लेकिन उनके स्टेट में उनको अगर इतनी फैसिलिटीज मिल गई तो आज बिहार में जितने मेहनत करने वाले लोग हैं, जितने इंटेलिजेंट लोग हैं, तो बिहार की स्थिति कुछ अलग होती। लेकिन आज कहीं ना कहीं बिहार को एक पिछड़े राज्य के दर्जे में देखा जाता है, पिछड़ा हुआ है। वैसे उड़ीसा की बात करें तो कुछ ऐसी कमियां हैं उड़ीसा में जो फुलफिल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इनको पीछे देखा जा रहा है। तो पहले अगर हम इन राज्यों पे अगर फोकस कर लिया जाए तो स्थिति तो बेहतरीन हो सकती है, फिर कि जरूर लोग यहाँ जरूर के बेहतरीन है। जरूर जरूर करना चाहिए। जो जो चीज कमियां रह गई है, जो जो चीज जरूरी है उसको कमियां पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत पहले उड़ीसा में भी कपड़ा का मिल था, उड़ीसा का कलिंगा जो मिल था वो बिजु पटनायक बनाए थे। बहुत जी जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब बहुत बड़ा इंडस्ट्री था हमारा कटक के पास चौद्वार में, वो जी बंद हो गया है। उस टाइप का अगर रिवाइव अगर हो सके, फिर से चालू हो सके, तो ये जो कारीगर हमारे दूर जाते हैं उन लोग उड़ीसा में काम कर सकते हैं। ऐसा बहुत सी चीजें हैं, करना चाहिए, ऐसा बात नहीं। बिल्कुल बहुत सी कमियां भी रह गई है उसको पूरा करना चाहिए। और इस बहुत साल के बाद, बहुत दिक्कत के बाद, पहली बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक ही पार्टी पे है, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल लोग जरूर वो जो कमियां पूरी करेंगे और केंद्र सरकार सहयोग करेगी, ये उम्मीद हम लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल सर, एक आपने एक उम्मीद बताई है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार एक ही पार्टी की है, तो जो कमियां है वो पूरी की जाएगी। और आपने अभी कुछ देर पहले ये कहा भी था कि आपकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी किया जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि समय कम है, तो जल्दी जल्दी सवाल मैं पूछ लेती हूँ, सीधा सवाल पूछूंगी। कुछ समय पहले, लगभग जून की बात है, नवीन पटनायक जी ने एक मीटिंग की थी राज्यसभा सांसदों के साथ, जो सांसद है उड़ीसा से। वहां पर एक चीज अनाउंस की गई थी कि नो मोर सपोर्ट टू बीजेपी, ओनली ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट। ये बातें काफी ज्यादा सामने आई थी, खबरों में भी काफी सामने आया था। अब आप कह रहे कि आपकी तरफ से पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा, तो मैं राज्य सरकार को सहयोग करने की बात कर रहा ठीक, हूँ। मैं राज्य तो सरकार को सर बात कर रहा हूँ। हम लोग पार्लियामेंट के अंदर जो सहयोग करते थे बीजेपी को, आंख मूंज के सहयोग करते थे, वो चीज नहीं होगा। हम लोग ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। बहुत साल हम लोग उनके साथ रह चुके और उसका फल हम लोग जो है पा गए हैं। इसीलिए हमारा पार्टी का डिसीशन है कि हम लोग एक जिम्मेदार विरोधी दल का भूमिका में राज्यसभा में रहेंगे। यानी कि उड़ीसा में उड़ीसा डेवलपमेंट को लेकर आप किसी भी का तरीके से तैयार हैं। डेवलपमेंट का हम उनको सहयोग करेंगे, हम लोग जो चाहते हैं हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे थैंक साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। एक उम्मीद आपने जगाई है और कहा है कि उड़ीसा के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अब हालांकि सरकार बदली है, लेकिन उम्मीद जगाई जा रही है आपके द्वारा कि डबल इंजन की सरकार है, तो हो सकता है कि स्थिति में और सुधार आए, और डेवलपमेंट के लिए आपकी पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से जितना हो सके उतना सपोर्ट भी किया जाएगा। इस तरह की बातें भी आपके द्वारा की गई। उम्मीद करते हैं कि जब आगे अगर 2030 में हम आपसे मिलते हैं, तो आपकी तरफ से भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाई दे 2030 के भारत के सक्सेस में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम बहुत मुद्दों बहुत पर हमारे धन्यवाद साथ आपने चर्चा जी। की। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।